नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 4000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 151 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 4096 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर में 8, खगड़िया में 3, पूर्णिया में 19, गया में 5, सुपौल में 2, बक्सर में 1, सारण में 2, बेगूसराय में 4, गोपालगंज में 2, पटना में 7, मुंगेर में 1, शिवहर में 1, अररिया में 12, किशनगंज में 4, मधेपुरा में 8, शेखपुरा में 6, लखीसराय में 19, समस्तीपुर में 6, जमुई में 1, मधुबनी में 6, मुजफ्फरपुर में 1, कैमूर में 5, जहानाबाद में 2, नालंदा में 1, वैशाली में 3, ईस्ट चंपारण में 5, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 16 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1803 पर। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1803 पर पहुंच गया है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए शाम 4 बजे तक के अपडेट के बाद इस बात की पुष्टि हुई है। वहीं कोविड-19 की वजह से अब तक 24 लोगों की जान भी चली गई है। इसके साथ ही बिहार में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों का 4000 को पार कर चुका है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर जाँच की प्रक्रिया को तेज करवाने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीड़भाड़ वाले इलाके में सैनिटाइजेशन करवाने का जारी किया आदेश। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों व बाजारों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। इसके तहत उन्होंने सभी कार्यस्थल एवं बाजारों में भी सरकार ने दिशा निर्देश का पूरी तरीके से पालन कराने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे कार्य की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी। बिजली बिल नहीं भरने पर काट दी जाएगी बिजली। बिजली बिल नहीं भरने वालों के लिए अहम सूचना। बीते दिन से पेसू में आयोजित बैठक के दौरान बिजली की ऑन द स्पॉट बिलिंग को शुरू किया गया है। मीटर की रीडिंग करते ही उपभोक्ताओं को बिल दिया जाएगा। जो भी उस बिल को जमा नहीं करेगा उनकी बिजली 1 जुलाई से काट ली जाएगी, जिसके तहत सभी डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को 100% ऑन द स्पॉट बिलिंग कराने को कहा गया है। इसके साथ ही इस बैठक में सभी डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर बदलने का निर्देश भी जारी किया गया है। किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया स्वागत। बीते दिन केंद्र सरकार ने देश के किसानों को MSP में बड़ा तोहफा दिया है, जिसके लिए सरकार ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गेहूं में MSP में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं बाजरे के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया गया है, जिसका समर्थन बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसानों को काफी ज्यादा लाभ पहुंचने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले लोन की क्रेडिट लिमिट बढ़ाए जाने और भुगतान की अवधि बढ़ाए जाने से भी किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। भागलपुर के जर्दालू आम की अब तक 24,000 किलो की ऑनलाइन बुकिंग हुई। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण किसान इस बात से परेशान थे कि कैसे आम और लीची की बिक्री हो पाएगी, और यही कारण है कि सरकार ने ऐसे किसानों की मदद के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भागलपुर के जर्दालू आम का क्रेज ऑनलाइन देखने को मिल रहा है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार आम बगीचे से टूटा नहीं कि 24,000 किलोग्राम आम का ऑर्डर किया जा चुका है, जो कि सिर्फ पटना और भागलपुर से किए गए हैं। 15 जून के बाद बिहार में क्वारंटाइन सेंटर को बंद करने का जारी किया गया आदेश, जिसका आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जारी करते हुए बताया है कि 15 जून के बाद से ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 जून तक पहुंचे सभी प्रवासी लोगों का 15 तक क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हो जाएगा, इसके बाद क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अनलॉक के बाद को कैसे सफल बनाया जाए इस पर विचार विमर्श किया है। नालंदा में दूध भरा टैंकर के पलटते ही बाल्टी लेकर पहुंचे लोग। कोविड-19 ने सबकी परेशानी भले ही बढ़ा रखी है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशान कमजोर तबके के लोग हैं, क्योंकि कोविड-19 के माहौल में यह लोग खाने खाने को मोहताज हो गए हैं। इसी का प्रमाण बीते दिन नालंदा जिले में देखने को मिला, जहां पर नालंदा जिले के भागनबीघा में सुबह सुबह टैंकर पलटने से सड़क पर दूध की नदी बहने लगी। टैंकर के पलटते ही लोग बाल्टी लेकर दूध लूटने के लिए पहुंच गए। लोगों ने अपने घरों में रखी सारी बाल्टी को दूध से भर लिया। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर लोगों को खाली करवाया गया। 3.54 लाख प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग हुई पूरी। बिहार में प्रवासियों की आवाजाही जोर शोर से करवाई जा रही है। अब तक लाखों प्रवासी वापस बिहार लौट चुके हैं, जिनकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चालू है। बीते दिन तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 3.54 लाख प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है, जिसमें से 7,935 लोगों ने क्वारंटाइन की अवधि भी पूरी कर ली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार चिन्हित 278 केंद्रों पर आइसोलेशन वार्ड की संख्या 22,000 से बढ़ाकर 35,000 करने का निर्देश जारी किया गया है।
सीबीएसई ने कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के सिलेबस को किया छोटा। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद चल रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई ने छात्रों के हित में एक फैसला लिया है, जिसके तहत सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 का सिलेबस छोटा कर दिया है। लेकिन यह साफ बताया है कि 2021 में परीक्षा समय पर लिया जाएगा, क्योंकि बंद के माहौल में सभी छात्र अभी फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे, जिसकी वजह से सिलेबस को छोटा करना पड़ गया है, जिसकी जानकारी सीबीएसई बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने भी दी थी। इसके साथ ही 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में विहीन टॉपिक को नहीं पढ़ाने का निर्देश भी जारी किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई शुरू। बिहार में विधानसभा चुनाव की शुभबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने सभी डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव की तैयारी शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत बीते दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। इसके लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके बाद बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सब कुछ कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव पर निर्भर करता है। 3 महीने के अंदर प्राइमरी शिक्षकों के 94,000 पदों पर होगी बहाली। प्राइमरी शिक्षकों के पद पर बहाली की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने प्राइमरी शिक्षक के 94,000 पदों पर नियुक्ति के लिए हरी झंडी दिखा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कुछ दिनों के अंदर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि बहाली जल्द ही खुल जाएगी, बस एनसीटीई से मिलने वाले पत्र का इंतजार किया जा रहा है। पत्र मिलते ही आने वाले 3 महीने के अंदर 94,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिस पर की एनआईयूएस डीएलएड पास अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। बिना राशन कार्ड पर फ्री राशन देने का काम बीते दिन से हुआ शुरू। बिना राशन कार्ड वाले जरूरतमंद लोगों को फ्री में अनाज देने का काम बीते दिन से शुरू कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसके तहत बताया गया है कि प्रारंभिक तौर पर बिना राशन कार्ड के रहने वाले जरूरतमंद परिवारों की सूची तैयार की गई है, जिसके हिसाब से खाने का सामान वितरण करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद अभी हाल ही में प्रवासी मजदूर ही नहीं बल्कि हर जरूरतमंद को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया जा रहा है, जिसके बाद बिना राशन कार्ड वालों को भी आसानी से राशन मुहैया करवाया जाना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी से पूछे सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 9 जून को बिहार में भाजपा की होने वाली वर्चुअल बैठक को लेकर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बीजेपी की रैली को लेकर सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों से संवाद करेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कह रहे हैं कि 1,00,000 लोगों की वर्चुअली रैली होगी। अब दोनों में से कौन सच बोल रहा है? आखिर दोनों के बयान में विरोधाभास क्यों है? क्या डिप्टी सीएम इसलिए भ्रम फैला रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात की तकलीफ है कि चुनावी रैली के लिए भाजपा ने नीतीश को आमंत्रित नहीं किया है? कोविड-19 के माहौल में लोगों को सरकारी सहायता का लाभ पहुंचाने में बिहार अव्वल। कोविड-19 के माहौल में लोगों तक सीधे सरकारी सहायता की राशि पहुंचाने के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे पहले स्थान पर आया है, जिसके तहत बिहार सभी आम नागरिकों को सरकारी मदद पहुंचाने और बाहर फंसे बिहारियों को लेकर राज्य के निवासियों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, सभी स्कूली छात्रों को और बुजुर्गों को, पेंशनर्स को और प्रवासी बिहारियों को भी, अन्य जरूरतमंदों को भी बिहार सरकार हर संभव मदद पहुंचा रही है, जिसके बाद एनआईसी के आंकड़ों के हिसाब से अभी तक डीबीटी के जरिए 14.5 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन भी किए जाने की बात सामने आई है। आज ऑनलाइन माध्यम से जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का होगा अनावरण। मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण होना है, जिसको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन माध्यम से करने वाले हैं। जानकारों की माने तो कुछ मिनट का कार्यक्रम होने वाला है। वहीं अनावरण से पहले बीते दिन जदयू के नेताओं ने सिटी पार्क का जायजा भी लिया है। इस दौरान नगर विकास मंत्री ने डीएम को कहा है कि समारोह को लेकर किसी को निमंत्रित नहीं करना है। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्मदिवस होने की वजह से सीएम प्रतिमा का अनावरण आज करने वाले हैं। वहीं अनावरण को लेकर पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। 9 बजे के बाद बिहार में बसों के परिचालन पर रहेगी रोक, जिसका ऐलान बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अनलॉक 1 में बिहार में सार्वजनिक वाहनों के परिचालन की अनुमति तो दे दी गई है, मगर रात 9 बजे के बाद बसों का परिचालन नहीं होगा। अभी राज्य के अंदर ही बसों का परिचालन शुरू किया गया है, जल्द ही दूसरे राज्यों में सहमति मिलने पर अंतर्राज्यीय बसें भी चलाई जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 जून से परिवहन विभाग में बस परिचालन के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी है, जिसके बाद बिहार में सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षकों के वेतन को रोकने वालों पर सरकार सख्ती से आएगी पेश। बिहार के नियोजित शिक्षकों को वेतन मिलने और नहीं मिलने की खबर पर सरकार ने अब सख्ती से पेश आने का फैसला किया है, जिसके तहत प्रदेश के अधिकांश जिलों से वेतन नहीं मिलने की खबर मीडिया में सामने आई है, जिसके बाद सरकार ने सभी अधिकारियों से जवाब मांगा है। खबरों की माने तो सरकार द्वारा समय पर राशि मंजूर करने के बावजूद वेतन नहीं दिया गया है, और इसको लेकर विभाग ने गंभीरता से संज्ञान लेने का फैसला जारी किया है। विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जिन भी जिलों में पैसे तलब किए गए हैं उसके बावजूद राशि मुहैया नहीं करवाई गई है, उन अधिकारियों पर सख्ती से पेश आया जाएगा।
बिहार के एक प्रवासी ने सोनू सूद से पूछा घर जाने का रास्ता। कोविड-19 के इस माहौल में अभिनेता सोनू सूद सभी प्रवासियों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं, जिसके तहत वह लगातार बिहार उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को वापस उनके राज्य भेज रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन समस्तीपुर के एक युवक ने उन्हें घर पहुंचाने को लेकर मदद की मांग की थी, जिसके तहत उन्होंने घर पहुंचाने का वादा भी किया है। जिसके तहत मोहम्मद ने कहा कि हमें बिहार से समस्तीपुर जाना है, कोई रास्ता बताइए। जिसके बाद सोनू सूद ने लिखा कि क्या करोगे भाई, घर का रास्ता जानकर चलो आपको घर ही छोड़कर आता हूँ, कभी समस्तीपुर आया तो चाय जरूर पिलाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरी क्षेत्रों में भी मास्क का वितरण करने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी मास्क का वितरण करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी अधिकारियों को आदेश दे दिया है, जिसके तहत बीते दिन कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क और साबुन का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है, वैसे कि शहरी क्षेत्रों में भी अब गरीब परिवार, रिक्शा चालक, बिहारी मजदूर, ठेला वेंडर वालों को, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच में इसका वितरण निःशुल्क किया जाएगा। बिहार में इस साल पेयजल की समस्या नहीं होने का लगाया गया अनुमान। बिहार में खासतौर पर गर्मी के मौसम में हर साल पेयजल की समस्या लगभग देखने को मिलती थी, मगर इस साल बिहार में पेयजल की समस्या नहीं होने का दावा किया गया है, जो कि PHED मंत्री विनोद नारायण झा ने बीते दिन किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार में इस साल पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं दिख रही है। मंत्री ने आगे कहा, बिहार में पेयजल की स्थिति इस बार बेहद ही बेहतर स्थिति में है। कैमूर, गया जैसे पहाड़ी इलाकों में भी वाटर लेवल 5 से 12 फीट ऊपर पहुँच गया है। अमित शाह की वर्चुअल रैली की तारीख में हुआ बदलाव। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी बिहार भाजपा ने शुरू कर दी है, जिसके तहत 9 जून को गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वर्चुअल रैली का आयोजन कराया जाना है। हालांकि अधिकारियों की माने तो तारीख में बदलाव किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब गृहमंत्री अमित शाह 9 जून के बजाय 7 जून को ही वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, जिसकी जानकारी बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दे दी है। मनोज तिवारी को बीजेपी अध्यक्ष के पद से दी गई छुट्टी। भाजपा नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को पद से हटा दिया है, जिसके बाद उनकी जगह पर नियुक्ति भी कर दी गई है। खबरों की माने तो अब उनकी जगह पर आदेश गुप्ता को प्रभार सौंपा गया है, जिसके लिए भाजपा नेतृत्व की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अधिकारियों की माने तो दिल्ली चुनाव में भाजपा की करारी हार और उनके कई बयानों की वजह से पार्टी नेतृत्व परेशान थी, और यही कारण है कि आलाकमान ने उनकी जगह पर आदेश गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंप दी है। वी ट्रांसफर के बजाय अब बड़ी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हैं इन वेबसाइट का इस्तेमाल। भारत सरकार ने लोकप्रिय फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कुछ कंपनियों के नेटवर्क पर वी ट्रांसफर फाइल फिर से खुल रही थी, जिसके बाद सरकार ने सभी इंटरनेट सेवा कंपनियों को वी ट्रांसफर को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। वहीं अब सभी उपयोगकर्ता के लिए बड़ी फाइल को भेजने के लिए समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन अब आप इन 4 वेबसाइट का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तहत स्मैश, हाईटेल, ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव का विकल्प यूजर के सामने रखा गया है। विराट कोहली से भी महंगा घर खरीदा युवराज सिंह ने। मैदान को अलविदा कह चुके भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह ने बीते दिन मुंबई के वर्ली में विराट कोहली से भी महंगा घर खरीदा है और अब विराट कोहली के पड़ोसी बन गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2016 में विराट कोहली ने ओमकारा टावर्स में शिफ्ट होने का फैसला लिया था, उसके बाद विराट कोहली 35वें फ्लोर पर रह रहे हैं। वहीं युवराज सिंह ने विराट कोहली से लगभग 2 गुना महंगा घर लिया है और उनके सीधे बगल में रहने लगे हैं। सिर्फ युवराज सिंह और विराट कोहली एक दूसरे के आस पड़ोस नहीं हुए हैं, बल्कि रोहित शर्मा भी वर्ली में साल 2017 से रह रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नीतीश कुमार, बबलू कुमार, रविंद्र कुमार, विजय कुमार शर्मा, सौरभ सिंह, पवन यादव, हनुमंत दुबे, अरविंद कुमार, धीरज कुमार, मनीष कुमार, नंद स्टार, दयानंद कुमार, भवन यादव, अनमोल मिश्रा, सलमान खान, राहुल कुमार, प्रदीप कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों की देखरेख और रोजगार के लिए उठाए जा रहे कदम से आप कितने संतुष्ट हैं, कितने नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।